अगर आप बीएससी फिजिक्स के बारे में डिटेल से जानना चाहते हैं तो आज का ये वीडियो लास्ट तक जरूर देखिए। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीएससी फिजिक्स कोर्स के बारे में। बीएससी फिजिक्स कोर्स क्या है, इस कोर्स के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, एडमिशन प्रोसेस क्या होता है, इस कोर्स की एवरेज फीस क्या होती है, टॉप कॉलेजेस कौन कौन से हैं, इस कोर्स को कम्प्लीट करने के बाद आपकी जॉब पोजिशंस यानी कि जॉब प्रोफाइल्स क्या क्या हो सकती हैं, एम्प्लॉयमेंट एरियाज यानी कि एम्प्लॉयमेंट सेक्टर्स कौन कौन से हैं, यानी कि इस कोर्स को कंप्लीट करने के बाद आप किन किन सेक्टर्स में जॉब कर सकते हैं, आपकी सैलरी क्या हो सकती है। अगर आप इन सभी चीज़ों के बारे में डिटेल से जानकारी चाहते हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं बीएससी फिजिक्स कोर्स के बारे में। बीएससी फिजिक्स, इसका फुल फॉर्म होता है बैचलर ऑफ साइंस इन फिजिक्स। ये एक अंडर ग्रेजुएट यानी कि बैचलर डिग्री कोर्स है जो कि 3 साल यानी कि 3 ईयर्स में कम्प्लीट होता है। इसमें कुल 6 सेमेस्टर होते हैं यानी कि टोटल 6 सेमेस्टर्स होते हैं। प्रत्येक सेमेस्टर 6 महीने की अवधि में कंप्लीट होता है यानी 6 मंथ्स की ड्यूरेशन में कंप्लीट होता है 1 सेमेस्टर, यानी कि 1 सेमेस्टर इक्वल टू 6 मंथ्स, ठीक है। इस कोर्स को कंप्लीट करने के बाद आप फिजिक्स की फील्ड में करियर बना सकते हैं। बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। अगर आप इस कोर्स को करना चाहते हैं तो मिनिमम 12th पास होना ज़रूरी है यानी 12th स्टैंडर्ड आपका कम्प्लीट होना चाहिए। 12th में आपके पास फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स यानी कि PCM या फिर फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी यानी कि PCB सब्जेक्ट होना चाहिए, ठीक है। यानी 12th में आपके पास PCM या फिर PCB सब्जेक्ट है तो आप इस कोर्स के लिए एलिजिबल हैं। मिनिमम 60% मार्क्स होने चाहिए 12th में, ठीक है। तो ये है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर बीएससी फिजिक्स। बात करते हैं एडमिशन प्रोसेस की। देखिए एडमिशन प्रोसेस डिपेंड करता है आपके कॉलेज पर कि आप कौन से कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं, बिकॉज एडमिशन प्रोसेस इज वेरी फ्रॉम कॉलेज टू कॉलेज। यानी कुछ कॉलेजेस में इसके लिए एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट कराया जाता है और कुछ कॉलेजेस में डायरेक्ट एडमिशन मिल जाता है यानी कि मेरिट के आधार पर एडमिशन मिल जाता है कुछ कॉलेजेस में, ठीक है। तो एडमिशन प्रोसेस डिपेंड करता है कॉलेज पर, इस चीज़ का ध्यान रखें। आप जिस कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप सबसे पहले पता कर लीजिए कि उसमें एडमिशन प्रोसेस क्या है, कि उसमें एंट्रेंस एग्जाम कराया जाता है या फिर डायरेक्ट एडमिशन मिलता है, ठीक है। तो ये आपको पता कर लेना चाहिए। चलिए बात करते हैं इस कोर्स की फीस के बारे में। देखिए जो फीस है वो अलग अलग कॉलेजेस में अलग अलग होती है, यानी गवर्नमेंट कॉलेजेस की फीस अलग होती है और प्राइवेट कॉलेजेस की फीस अलग होती है। इसलिए इस वीडियो में हम बात करेंगे एवरेज फीस के बारे में। इस कोर्स की जो एवरेज फीस है वो है 10,000 to 1 lakh rupees पर ईयर। यानी इस कोर्स की जो एवरेज फीस है वो है 10,000 से 1 lakh rupees प्रतिवर्ष, ठीक है। कुछ कॉलेजेज में 10,000 rupees प्रतिवर्ष की हो सकती है और कुछ कॉलेजेज में 1 lakh rupees प्रतिवर्ष तक की फीस भी हो सकती है। डिपेंड करती है फीस कॉलेज पर कि आप कौन से कॉलेज में एडमिशन लेने जा रहे हैं, ठीक है। तो आप जिस कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं तो सबसे पहले आप उसमें पता कर लीजिए कि इस कोर्स की फीस इस कॉलेज में कितनी है, ठीक है। अब हम बात करते हैं टॉप कॉलेजेस की। टॉप कॉलेजेस की लिस्ट आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। नंबर 1 लोयोला कॉलेज चेन्नई तमिलनाडु, संत जेवियर्स कॉलेज मुंबई महाराष्ट्र, जेएल यूनिवर्सिटी बेंगलोर कर्नाटका, क्राइस्ट यूनिवर्सिटी बेंगलोर, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी चंडीगढ़, मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज चेन्नई, लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी जालंधर, स्टेला मैरिस कॉलेज चेन्नई, NIMS यूनिवर्सिटी जयपुर, रामजस कॉलेज न्यू दिल्ली, ठीक है। तो ये हैं टॉप बीएससी फिजिक्स कॉलेजेस इन इंडिया, ठीक है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप इन कॉलेजेस में एडमिशन ले सकते हैं। बात करते हैं बीएससी फिजिक्स सब्जेक्ट के बारे में, यानी कि बीएससी फिजिक्स कोर्स में कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं। जैसा कि हमने आपको बताया कि इसमें टोटल 6 सेमेस्टर्स होते हैं, यानी कि ये जो कोर्स है वो 3 साल में कम्प्लीट होता है और 1 साल में 2 सेमेस्टर होते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं फर्स्ट ईयर के सब्जेक्ट के बारे में, यानी कि फर्स्ट एंड सेकंड सेमेस्टर में कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं। बात करते हैं फर्स्ट सेमेस्टर्स की। नंबर 1 क्लासिकल मैकेनिक्स एंड थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, नंबर 2 इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिज्म एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी, ठीक है। तो ये होते हैं फर्स्ट सेमेस्टर के सब्जेक्ट। बात करते हैं सेमेस्टर 2 के सब्जेक्ट के बारे में। नंबर 1 प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज सेमीकंडक्टर डिवाइसेस, ठीक है। तो ये होते हैं सेमेस्टर 2 के सब्जेक्ट। बात करते हैं सेकेंड ईयर के सब्जेक्ट के बारे में, यानी कि 3rd and 4th सेमेस्टर में कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं। बात करते हैं 3rd सेमेस्टर की। नंबर 1 कंप्यूटर प्रोग्रामिंग एंड थर्मोडायनामिक्स, नंबर 2 वेव एंड ऑप्टिक्स फर्स्ट। बात करते हैं सेमेस्टर 4 के सब्जेक्ट के बारे में। नंबर 1 स्टेटिस्टिकल फिजिक्स, नंबर 2 वेव एंड ऑप्टिक्स सेकेंड, ठीक है। तो ये होते हैं सेमेस्टर 4 के सब्जेक्ट।
अब हम बात करते हैं थर्ड ईयर के सब्जेक्ट के बारे में, यानी कि फिफ्थ एंड सिक्स सेमेस्टर में कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं। बात करते हैं फिफ्थ सेमेस्टर के सब्जेक्ट की। नंबर वन क्वांटम एंड लेजर फिजिक्स, नंबर टू न्यूक्लियर फिजिक्स, ठीक है। तो ये होते हैं फिफ्थ सेमेस्टर के सब्जेक्ट। बात करते हैं सिक्स सेमेस्टर के सब्जेक्ट के बारे में। नंबर वन एटॉमिक एंड मॉलिकुलर स्पेक्ट्रोस्कोपी, ठीक है। नंबर टू फिजिक्स लैब सॉलिड स्टेट ऑफ नैनो फिजिक्स, ठीक है। तो ये होते हैं सेमेस्टर सिक्स के सब्जेक्ट। हमने फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर एंड थर्ड ईयर यानी कि फाइनल ईयर के सब्जेक्ट की बात कर ली है। अब हम बात करते हैं एम्प्लॉयमेंट एरियाज़ की, यानी कि बीएससी फिजिक्स कंप्लीट करने के बाद आप किन किन एरियाज़ में, किन किन सेक्टर्स में जॉब कर सकते हैं। इस कोर्स को कंप्लीट करने के बाद आप एरोस्पेस, मैन्युफैक्चरिंग, इंजीनियरिंग, ऑयल एंड गैस, टेलीकम्युनिकेशन, इन सभी फील्ड में वर्क कर सकते हैं आफ्टर कंप्लीटिंग बीएससी फिजिक्स, ठीक है। अब हम बात करते हैं जॉब प्रोफाइल्स यानी कि जॉब पोजीशंस की, यानी कि इस कोर्स को कंप्लीट करने के बाद आपकी जॉब पोजीशंस क्या क्या हो सकती हैं। इस कोर्स को कंप्लीट करने के बाद आप ट्रेजरी मैनेजमेंट स्पेशलिस्ट, कंटेंट डेवलपर, क्वालिटी कंट्रोल मैनेजर, रेडियोलॉजिस्ट, हाई स्कूल टीचर एंड अदर, यानी कि इसके अलावा और भी जॉब प्रोफाइल्स आपकी हो सकती हैं आफ्टर कंप्लीटिंग बीएससी फिजिक्स, ठीक है। ये डिपेंड करता है आप पर कि आप कौन सी जॉब पोजीशन पाना चाहते हैं, उसके लिए आपको मेहनत करनी होगी और उसी तरीके से पढ़ाई करनी होगी, ठीक है। अब हम बात करते हैं सैलरी की। देखिए जो सैलरी है वो अलग अलग जॉब प्रोफाइल्स के लिए अलग अलग होती है, यानी कि सैलरी इज़ वेरी फ्रॉम जॉब प्रोफाइल टू जॉब प्रोफाइल, एंड जो सैलरी है वो अलग अलग एरियाज में अलग अलग होती है, अलग अलग कंपनीज में अलग अलग होती है, इसलिए बात करते हैं एवरेज सैलरी की, ठीक है। अगर आप एक कंटेंट डेवलपर बन जाते हैं तो आपकी जो एवरेज सैलरी है वो 2.4 लाख रुपीज़ पर ईयर हो सकती है। अगर आप एक क्वालिटी कंट्रोल मैनेजर बन जाते हैं तो आपकी जो एवरेज सैलरी है वो 9 लाख रुपीज़ पर ईयर हो सकती है। अगर आप एक रेडियोलॉजिस्ट बन जाते हैं तो आपकी जो एवरेज सैलरी है वो 19 लाख रुपीज़ पर ईयर हो सकती है। तो ये है अलग अलग जॉब प्रोफाइल्स के लिए एवरेज सैलरी, ठीक है। सैलरी डिपेंड करती है आपकी जॉब प्रोफाइल एंड आपके एरिया पर एंड आपकी कंपनी पर, इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें। ये वीडियो इन्फॉर्मेशन आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखें। अगर आपको ये लगता है ये वीडियो हेल्पफुल हो सकता है तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। चैनल पर नए हैं तो देर मत कीजिए, अभी सब्सक्राइब कीजिए एंड ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कीजिए, जिससे आप तक सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे और आप सभी वीडियोज़ देखते रहें।